पापा जी की। एक बार बड़े मधुर भाव से फिर बोलिए, जय श्री बाबा जी की। आप सभी भक्तों ने देखा होगा कि टाइलों के ऊपर ओम लिखा होता है ना, किसी टाइल के ऊपर राम जी लिखा होता है, किसी टाइल के ऊपर हरे कृष्णा जी लिखा होता है, किसी टाइल के ऊपर जय माता जी भी लिखा होता है, किसी टाइल के ऊपर जय श्री बाबा जी की लिखा होता है, या कई टाइलों के ऊपर और गुरु पीरों का नाम लिखा हुआ होता है। तो और के दीवारों के ऊपर पेंट से लिखा होता है जय श्री राम जी, जय श्री माता जी की, या जय श्री बाबा जी की, हरे राम हरे कृष्णा लिखा होता है ना, या फिर चूने के साथ लिखा होता है, जो हाइट चूना होता है ना उसके साथ। तो लेकिन जो टाइल के ऊपर लिखा हुआ होता है, जो बाजार से टाइल मिलती है, अगर आप उसको बाहर अपने बरामदे में लगा देंगे लिखे हुए को, या बरामदे के बाहर लगा देंगे किसी द्वार के ऊपर, तो कितनी मर्जी बारिश पड़े, कितना मर्जी हवा चले, तूफान चले, लेकिन जो वो लिखा हुआ है वो कभी मिटेगा नहीं। और जो चूने जी के साथ लिखा होगा बाहर, या पेंट जी के साथ लिखा होगा, वो बड़ी हद एक साल दो साल तीन साल उसके बाद मिटना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो जैसे टाइल जी के ऊपर लिखा होता है पक्के तरीके से, वैसे बाबा पूर्णाहारी जी का नाम भी आपने अपने हृदय में वैसे ही लिखना है पक्के तरीके से, कि चाहे कितनी मर्जी काल की आंधी तूफान चले, लेकिन वो नाम आपके हृदय से कभी भी मिटना पाए। और जो कच्चे तरीके से लिखा होगा पेंट या चूने से, वो मिटने में देर भी नहीं लगती है। तो बाबा जी के नाम को अपने हृदय में ऐसे लिख लो टाइल की तरह पक्के करके, कि वो कभी भी मिटना पाए। और कोई कितना मर्जी उसको पोचा लगाता रहे, कोई हंकारी, कोई भी हंकारी कितना मर्जी उसको पोचा लगाता रहे मिटाने के लिए, लेकिन वो कभी भी आपके हृदय से मिटना पाए। तो जिनके हृदय में नाम पक्के लिखे हुए हैं बाबा जी के टाइल की तरह, वो सदा स्वर्ग को जाते हैं, और जो दिखावा करते हैं वो सदा यहाँ पर ही गोते खाते रहते। तो बाबा जी को अपने मन में बसाना है, उसकी रोज ईद और दिवाली होती है, जिसकी बाबा जी के नाम जिंदगी होती है। तो मन में बसा के रखो बाबा जी को, कभी भूलो मत, सदा खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी इन ऑलवेज। जयकारा पूर्णाहारी जी दा, बोलिए जय श्री बाबा जी, एक बार फिर बोलिए जय श्री बाबा जी।